और एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा के नूह में हुई हिंसा में जो संपत्ति नुकसान हुआ उसको लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि इस संपत्ति का जो नुकसान हुआ उसके एवज में मुआवजा दिया जाएगा, नूह हिंसा पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया। सीएम ने कहा कि जिस तरह किसानों को खराब फसलों का मुआवजा दिया जाता है उसी तरह नूह हिंसा में जिन लोगों की प्रॉपर्टी का नुकसान उन्हें पहुंचा है उन्हें ऑनलाइन मुआवजा दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ऐलान किया गया प्रॉपर्टी नुकसान पर मिलेगा मुआवजा। जो नुकसान होता है फसल का नुकसान उसमें रजिस्टर करते थे, बाद में ध्यान में आया कि आखिर फसल के अलावा भी नगरों में कुछ व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, कोई उनके औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, कोई मकानों में भी इस प्रकार का नुकसान होता है, तो ऐसे सब लॉस भी मूवेबल इमूवेबल सब प्रकार की जो प्रॉपर्टी है उसका लॉस भी इसमें अगर एंटर होगा तो उसका फिर असेसमेंट के भी तौर तरीके हैं। कुछ हमने जो ये होती है इंश्योरेंस की सर्वेयर्स उनके माध्यम से कराएंगे और कुछ असेसमेंट डीसी की कमेटीज जो हैं वो करेंगी, तो दोनों असेसमेंट के आधार के ऊपर उनको मुआवजे की कुछ राशि उसका एक परसेंटेज वो हम कुछ तो डिक्लेयर पहले से है कुछ आज डिक्लेयर करेंगे, उसमें से वो राहत उनको दी जाएगी। और अब बाद में आज ही जो एक विचार हमारा बना है कि जो नू में जो लॉस हुआ है नुकसान हुआ है प्रॉपर्टी का भी वहाँ जान माल सब नुकसान हुआ है, तो जान के नाते से अलग घोषणा करेंगे लेकिन उनका जो माली नुकसान है गाड़ियाँ फूकी हैं कुछ और एसेट्स जो दुकानें हैं तो उसका भी इसी पोर्टल में एक प्रकार से जानकारी लेंगे और उसी आधार पर उसकी भी स्कीम बना करके उनको सबको दिया जाएगा। Zee News.